वुमेन खेल के जाके उधर क्या कर रही हैं या क्या करना चाह रही हैं। तो लेकिन जिस माहौल से वो यहाँ से गई हैं पाकिस्तान में, उनमें तो वैसे एम्पावरमेंट की कमी होगी ना बहुत ज़्यादा। वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फेमस हो रही है कि बड़ा अच्छा खेल रही है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रही है, इसी के साथ साथ बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो पाकिस्तानी आवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि जहाँ पर हम सुनते थे विराट कोहली क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़े ब्रांड है, रोहित शर्मा एक बहुत बड़े ब्रांड है, वहाँ पर खवातीन भी अब पीछे नहीं है, शिफाली वर्मा का भी नाम आ रहा है, क्या कहती है आवाम पाकिस्तान की राय लेते हैं? देखिए मैं तो ये मैचेस नहीं देखती हूँ, हमने तो वो खान साहब के बाद क्रिकेट से हाथ उठा लिए हुए, हमें नहीं पता ये वुमेन खेल के जाके उधर क्या कर रही हैं या क्या करना चाह रही हैं। तो लेकिन जिस माहौल से वो यहाँ से गई हैं पाकिस्तान में, उनमें तो वैसे एम्पावरमेंट की कमी होगी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जज्बे होते हैं, आप अगर अपनी फेम के लिए ज़ाती इश्तिहार के लिए आपको काम करते तो उसमें और एक आपका कोई गोल हो कि हमने अचीवमेंट करनी हो कोई, आप तो सिर्फ जाते हो अभी इंटरनेशनल हमारे वीज़ा लग जाएंगे, ये आपका वो गोल ही नहीं है तो आप कहाँ से वो पूरी करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना गोल अचीव करना चाहिए, आपको अपना टारगेट रखना चाहिए कि ये मैंने काम करना है, फिर आप उधर जाओ। अगर आप बाहर जा के अपने वतन के लिए आप उस अपने वतन का नाम ही नहीं कमा सकते, डुबो सकते हो, तो फिर ऐसी एम्पावरमेंट से बेहतर आप घर में बैठ के हंडिया ही पकाएं और रोटियाँ ही बनाएं। अच्छा खेल तो रही है हमारी खवातीन। देखिए वो इंडियन एक तो कल्चर उनका ऐसे है, एक तो और वो खेलती है वतन के लिए ना। हमारे यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल, मैंने सॉरी मैंने देखा नहीं है मैच खवातीन का, ना मैं शिफाली को देखा है ना मैंने यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उनमें ये जज्बा हो अपने वतन के लिए तो उनको यहाँ से पूरा तैयार होके जाना चाहिए ना। मतलब कि आपको पूरा आपको पता है कि जी 8 घंटे मैंने मैच खेलना, तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप 8 घंटे स्टे कर सको, फिर आपको ये पावर होनी चाहिए कि आप देखें कि आप बैट्समैन बेहतर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बॉलिंग पे देख सकते हैं, फिर साथ आपकी फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जब ये सारी अच्छा जो फील्डिंग के लिए आपका बैट्समैन होना या बॉलर होना ज़रूरी नहीं है, फील्डिंग आप कर सकते हो ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद को तैयार करना चाहिए, उसके लिए आपका बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की वर्जिशें होती हैं, गर्मी में सर्दी में हर माहौल की अलग अलग वर्जिश। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो, आपने वो अपनी वो पूरी नहीं की, अगर आपने वो जो हमारे यहाँ पे होता है कि जी ठट्ठे लगा लिए इकट्ठे हो गए वही कर लिया, तो आप तो मतलब कि धोखा ही है ना, घर से आए आप वर्जिश करने आए और आप खेल खूल के और अनारकली में आके गोलगप्पे खा के चली जाएं, तो फिर आप तो जाके परफॉर्म ऐसा ही करेंगे ना जैसा मेरा मैं करूं या वो करें एक ही बराबर है ठीक है ना। सर मैडम वैसे ना मैंने एक बात नोट की है, आप यहाँ पर खड़ा होकर किसी से भी पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम के बारे में बात करेंगे ना, उनको पता भी नहीं होगा कि हमारी कोई विमेन क्रिकेट टीम है भी या नहीं है। दूसरी तरफ मैं जब देखती हूँ तो वहाँ हमारे ही पड़ोसी देश में लड़कियों को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है कि मैं कहती हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इंडिया में इस वक्त अभी तक जो आज की हमारी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें मर्दों की तादाद कम है, ख़वातीन की ज़्यादा, 1% का फ़र्क है ठीक है, 49 और 51, 51% मर्दों की है पॉपुलेशन और 49 ख़वातीन की है। इंडिया में इस वक्त ख़वातीन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि इस वजह से उनको अपना फ्यूचर में ख़वातीन ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और उधर आपको पता है सब ज़्यादातर उनकी ख़वातीन के ही हाथ में सब कुछ होता है। यहाँ के मर्द तो कहते हैं कि 52% यहाँ ख़वातीन है और 48% यहाँ पर मर्द है, और ये भी फिर बोला जाता है कि हम लोग उन औरतों को सहारा देने के लिए चार शादियाँ करेंगे, और ये भी फिर बोला जाता है कि हम लोग उन औरतों को सहारा देने के लिए चार शादियाँ करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।